Hi kings and queens, how are you all? Welcome back to Digital Sanjog and you're watching me, your favorite Sanjog. Friends, last कुछ वीडियो में हम लोगों ने दिखाया किस तरह से वेबसाइट डेवलप करते हैं blogger.com के ऊपर में, किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, पैसिव इनकम क्या होता है. अब दोस्तों ये सब चीज़ें डिस्कस करते हुए कॉमन फैक्टर हम लोग डिस्कस करते जा रहे थे वो है वेबसाइट. दोस्तों वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है, वो फ्री हो या पेड डोमेन लेकर या पेड होस्टिंग लेकर आप वेबसाइट बनाओ, लेकिन आपके पास में वेबसाइट होना ज़रूरी है. अगर आपके पास वेबसाइट हो तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, पैसिव इनकम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. लेकिन दोस्तों सिर्फ वेबसाइट होकर ही नहीं चलेगा, आपको ज़रूरी है कि आपके वेबसाइट के ऊपर में जो कीवर्ड्स है, अब कीवर्ड्स क्या होता है हर किसी को पता है, जिनको पता नहीं उनको बता दूँ. कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो वर्ड्स गूगल के ऊपर में, सर्च इंजन के ऊपर में रैंक होता है. मतलब आपकी वेबसाइट में ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, और वो वर्ड जो है वो मल्टीपल 3-4-5 लेटर वर्ड्स वो गूगल के ऊपर में रैंक होते हैं, और वो रैंक हो जाए तो आपके वेबसाइट में बहुत ढेर सारी ट्रैफिक आई जाएगी. इसका मतलब ये होता है दोस्तों हाई ट्रैफिक इज इक्वल टू हाई इनकम. सो दोस्तों कैसे करें कि वेबसाइट के ऊपर में ज़्यादा ट्रैफिक लेके आए? तो दोस्तों ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सोचना होगा, वो है कीवर्ड रिसर्च. दोस्तों कीवर्ड रिसर्च आपको करना है आपके वेबसाइट के लिए, वेबसाइट के ऊपर में जो कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज करके कीवर्ड रिसर्च करना है दोस्तों. अब दोस्तों कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, बहुत से वीडियोस बन चुके हैं, बहुत से यूट्यूबर्स ने इनके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो टेक्निक बताने वाला हूँ वो टेक्निक बहुत ईजी है, सिंपल है, और ये टेक्निक थोड़ा सा परे है और फ्री अवेलेबल है, जो आप फ्री टूल्स को यूज़ करके भी इस टेक्निक के थ्रू कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और ऐसे कीवर्ड को ढूंढ सकते हो जो कीवर्ड्स आपके वेबसाइट के ऊपर में रैंक करने का 100% वादा करते हैं. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च? कीवर्ड रिसर्च इज द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन फाइंड आउट ऑप्ट कीवर्ड, परफेक्ट कीवर्ड फॉर योर वेबसाइट, सो यू कैन रैंक योर वेबसाइट ऑन द गूगल्स नंबर वन पेज, और गूगल के सर्च इंजिन के ऊपर में आप रैंक करो, आपकी वेबसाइट रैंक करे. अब दोस्तों देखा जाए तो एक दिन में दुनिया भर में करोड़ों सर्चेस होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग, मैं और आप हजारों सर्चेस करते हैं, बहुत सारे सर्चेस करते हैं, और इन सर्चेस में से वो कीवर्ड ढूंढना, वो सर्च रिजल्ट निकालना जिसको आप अपनी वेबसाइट पे ऊपर में यूज करो. ये मतलब ऐसा टास्क है जैसे आप कचरे में से कोई सुई निकाल के ढूंढ रहे हो. अब दोस्तों इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि काफ़ी इजी तरीके से आप उन कीवर्ड में से अपने लिए कीवर्ड ढूंढो. अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी. अब फ्रेंड्स प्राइमरी कीवर्ड जो है वो एक होता है और सेकेंडरी कीवर्ड कई सारे हो सकते हैं, तो हम लोगों को एक पेज के ऊपर में प्राइमरी और सेकेंडरी अगर हम लोग 4-5 कीवर्ड समझें तो हम लोगों को 5-6 कीवर्ड एक पेज के लिए फाइंड आउट करना है. अब हजारों लाखों करोड़ों सर्चेस में से वो 5-6 कीवर्ड कैसे निकालना है, यही तो मैजिक है दोस्तों. अभी आप समझोगे इस वीडियो के थ्रू कि किस तरह से हम लोग इजीएस्ट वे में या फ्री टूल यूज करके हम लोग वो कीवर्ड्स कैसे पता करें. सो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करना है, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उनको लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर में शेयर करना है ताकि बाकी लोग भी इस तरह के वीडियोस का एडवांटेज उठा सके. सो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या है? फ्रेंड्स, कीवर्ड रिसर्च की एडवांस टेक्निक को समझने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि पुरानी टेक्निक क्या है, ओल्ड टेक्निक में या फिर अभी तक क्या यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स. अभी तक जो यूज़ कर रहे हैं वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं. लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आप लोगों को पता है, 2 वर्ड्स से ज़्यादा लंबे कीवर्ड जो होते हैं उनको लॉन्ग टेल कहते हैं, और 1-2 वर्ड्स को आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड कहा जाता है. शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है, इसलिए उन पे रैंक करना मुश्किल होता है, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर में आपका सर्च वॉल्यूम कम होता है, लेकिन आप रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो दोस्तों होता यह है कि अगर हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड भी यूज़ करें इसके बावजूद आप रैंक नहीं कर रहे हो करंटली आज की कंडीशन में, वो क्यों हो रहा है?
क्योंकि दोस्तों आप वो लॉन्ग टेल कीवर्ड अपने ब्लॉग के अंदर या अपने एफिलिएट पेजेस के ऊपर में रिपीट कर रहे हो। ऐसा कहा जाता है अगर आपका 1000 वर्ड का अगर आर्टिकल हो, उस आर्टिकल में आपको आपका प्राइमरी कीवर्ड जो है वो 8 to 10 टाइम्स रिपीट करना है, तो ऐसे करने से आपका कीवर्ड रैंक हो जाता है। अब दोस्तों अगर इतनी आसान चीज़ हो जाती तो कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हर कोई करता और हर कोई रैंक होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे गलती करते हैं। हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज़ करते हैं मल्टीपल टाइम अपनी वेबसाइट के ऊपर में, जिसकी वजह से गूगल को डाउट होता है आपके इंटेंशन के ऊपर में। गूगल जो है एक्सपर्ट टूल है, गूगल जो है एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपके की गए जो भी इंटेंशंस है, रॉन्ग इंटेंशंस और राइट इंटेंशंस, वो दोनों इंटेंशन गूगल बहुत अच्छी तरह से समझता है। और अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को रिपीट कर रहे हो बार बार और क्रॉलर, गूगल क्रॉलर जो आपके साइट पे विजिट करता है और उसको जब पता चलता है कि आप इंटेंशनली आप इस कीवर्ड को हाईलाइट कर रहे हो, बोल्ड कर रहे हो और रिपीट कर रहे हो बार बार, इसका मतलब आप इस कीवर्ड को रैंक करना चाहते हो। और जैसे ही उसको आपका इंटेंशन समझ में आता है दोस्तों, वो आपके कीवर्ड को रैंक करना बंद कर देता है। अगर आप रैंक हो भी रहे हो तो आप पीछे चले जाओगे, सो इसकी वजह से आपको हो जाती है परेशानी। अब दोस्तों नई टेक्निक क्या है, तो किस तरह से हम लोग इससे बाहर निकले और नए कीवर्ड रिसर्च टेक्निक के थ्रू अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करें, चलो समझते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज न्यू टेक्निक? न्यू टेक्निक के हिसाब से आपको अपने इंटेंशंस गूगल से छुपाने हैं। आपको गूगल को पता लगने नहीं देना है कि आप कौन से कीवर्ड को रैंक कराना चाहते हो, तो गूगल को हम लोगों को कंफ्यूज करना है, उसको बेवकूफ़ बनाना है और उसको ये समझ में ना आए कि हम लोग हमारा प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है। अब फ्रेंड्स ये कैसे होगा? आपको करना क्या है दोस्तों कि आपका जो भी प्राइमरी कीवर्ड है उस प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड सिमिलर या सिनोनिम्स ढूंढने हैं, हम लोगों को सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं जिनका मतलब जो है वो प्राइमरी कीवर्ड का ही हो। सो दोस्तों गूगल के ऊपर में रैंक करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, वो है कीवर्ड रिसर्च और दूसरा है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। इन दोनों को अगर आप प्रॉपर तरीके से मिक्स करोगे दोस्तों तो आपके कीवर्ड रैंक कर लेंगे। जिस तरह से हम लोगों को खाने के अंदर में सभी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो नमक हो या फिर कुछ मसाले हो, जिनको हम लोगों को प्रॉपरली मिक्स करना होता है ताकि खाने की टेस्ट बरकरार रहे, उसी तरह से हम लोग कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन को इस तरह से मिक्स करना है कि हमारे कीवर्ड गूगल के ऊपर में रैंक करना शुरू करें। अब दोस्तों कीवर्ड रिसर्च कैसे करें? कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपके पास में फ्री और पेड टूल्स बहुत से अवेलेबल है। अगर आप पेड टूल में जाना चाहते हो तो आप Ahrefs, SEMrush, Moz या फिर आप कीवर्ड डोमिनेटर करके टूल है जिसको यूज़ कर सकते हो। कीवर्ड डोमिनेटर टूल को किस तरह से यूज़ करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा आप अगर फ्री में जाना चाहते हो तो फ्री में क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, जैसे WMS है या फिर Uber Suggest है। Uber Suggest में अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओ तो 5 कीवर्ड का रिसर्च एक दिन में 24 आवर्स में फ्री में कर सकते हो। नहीं समझे तो चलो स्क्रीन पे समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स कीवर्ड कैसे फाइनल करना है? दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड फाइनल करने के लिए आपको KGR टेक्निक का यूज़ करना चाहिए और सेकेंडरी कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो KGR टेक्निक क्या होता है अगर आपको समझना है तो ऊपर लिंक दिया दोस्तों, आप जाइए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट कर सको। यहाँ पर मैं सिंपल वे में बता देता हूँ कि KGR कैसे काम करता है। KGR में आपको सर्च वॉल्यूम जो है 250 के आसपास होना चाहिए और ऑल इन टाइटल 63 से आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह का अगर रेशो की सर्च वॉल्यूम और ऑल इन टाइटल होता है तो हमारा रेशो 2.25 आता है। 0.25 जिसका रेशो आता है वैसे कीवर्ड हमको चूज़ करना है। तो मैंने स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग ये फाइनल किया और क्यों किया वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग और सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर सर्च वॉल्यूम इसका जो है वो 210 है। तो मेरे रूल्स के हिसाब से, KGR के रूल के हिसाब से यहाँ पर 210 मैंने मेंशन कर दिया। और इसका ऑल इन टाइटल अगर मैं चेक करना चाहूँ तो वो भी मैं चेक करता हूँ। तो ऑल इन टाइटल इस तरह से चेक करता है और उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर मैं कि इसका 60 रिजल्ट आ रहा है। तो ऑल इन टाइटल का मैं 60 यूज़ कर लिया और इसका रेशो 0.28 है जो नियरली 0.25 के आसपास है। तो मैं इस कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ। इस तरह से KGR टेक्निक के थ्रू मैं प्राइमरी कीवर्ड फाइनल कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों KGR टेक्निक इनफ नहीं है,
हम लोगों को एडिशनल यूज करना है। जैसे मैंने कहा कि ओल्ड टेक्निक में आप KGR टेक्निक यूज कर सकते हैं, लेकिन जो अभी एल्गोरिदम चेंज हुआ है उसके हिसाब से आपको एडिशनल स्टेप्स लेने हैं। तो वो एडिशनल स्टेप्स में ये है कि आपको सिनोनिम्स ढूंढने हैं। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप ये प्राइमरी कीवर्ड इसको रखोगे और आपके ब्लॉग में या वेबसाइट के ऊपर में इस कंटेंट को, इस कीवर्ड को बार बार रिपीट करोगे, तो आपका इंटेंट समझ में आ जाएगा गूगल को, और गूगल समझ में आ जाएगा कि आपको ये स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग, ये कीवर्ड रैंक करवाना है, तो वो रैंक करने में आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल को बेवकूफ़ बनाना है, और उस बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको इस कीवर्ड के सिनोनिम्स ढूंढना है ताकि गूगल कंफ्यूज हो जाए। और उसके लिए आपको स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग के सिनोनिम्स ढूंढने के लिए फिर से हम लोग चलते हैं हमारे गूगल के ऊपर में, जहां पर मुझे ये कीवर्ड दिख रहे हैं, जैसे नेचर एंड स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग, या फिर स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग जिनका सर्च वॉल्यूम 30 और 10 है, उनको मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है यहाँ पर सेकेंडरी कीवर्ड के लिए। इसके अलावा भी मुझे कीवर्ड यहाँ पर दिखाई देंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर WMS के टूल में भी मुझे कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ई मार्केटिंग, इसको भी मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ, ये मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद में मैं ले रहा हूँ बेनिफिट्स ऑफ ई मार्केटिंग, दोनों का सर्च वॉल्यूम जो है दोस्तों, एक 260 है, एक 210 है, तो 260 मैंने ले लिया, 210 ले लिया। ओके, इस तरह से मैंने ये 5 कीवर्ड्स निकाले हैं अभी, और इन कीवर्ड्स को मैं अपने ब्लॉग के अंदर में, ये सेकेंडरी कीवर्ड जो है और ये प्राइमरी कीवर्ड सिनोनिम्स है इस प्राइमरी कीवर्ड्स के, इन सेकेंडरी कीवर्ड को प्राइमरी कीवर्ड के साथ में इस तरह से मिक्स एंड मैच करना है ताकि मेरा ब्लॉग परफेक्ट लगे और गूगल को समझ में नहीं आया कि मैं कौन सा कीवर्ड रैंक करना चाहता हूँ। इस केस में गूगल कोई भी कीवर्ड रैंक करे, आपका ये कीवर्ड रैंक होगा। जैसे स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग आपको रैंक करवाना है, अगर नेचर एंड स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग रैंक होता है, इसके बावजूद भी आपका ये रैंक होगा। स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग इंडिया रैंक होता है तो स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग रैंक होने के लिए हेल्प होगा, या फिर व्हाट इज स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग, ये भी अगर आप रैंक होता है आपका, तो इनडायरेक्टली आपका स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग रैंक होगा। तो इस तरह से आपने 210 सर्च वॉल्यूम के साथ से मल्टीपल सर्च वॉल्यूम भी इसके साथ में रैंक होना शुरू हो जाएगा, तो आपका टोटल सर्च वॉल्यूम हो जाएगा 210 प्लस 210 प्लस 260 1030, तो नियरली आपका 700 टू 800 के आसपास सर्च वॉल्यूम आ जाएगा। तो इतने सर्च वॉल्यूम आपको पर मंथ और मल्टीपल कीवर्ड्स रैंक होने में आपको हेल्प होगी। ये हो गया दोस्तों आपका फ्री टेक्निक। अब हम लोग चलते हैं पेड टेक्निक के थ्रू। अब दोस्तों समझते हैं पेड टेक्निक क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको मैं कीवर्ड डोमिनेटर ये टूल बताऊंगा जो पेड भी है और फ्री भी है। पेड में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, फ्री में कम ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन फ्री में भी आप कीवर्ड निकाल सकते हो लेकिन आपका सर्च वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो ये पेड टेक्निक में मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से मैं कीवर्ड इस पर ढूंढूंगा। मेरा हम लोगों ने कीवर्ड फाइनल कर दिया था KGR के थ्रू, स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग। मैं इस कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, साथ में मैं यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं सर्च कर रहा हूँ। तो दोस्तों सर्च करते ही मुझे वो दिखाएगा अभी कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों, कीवर्ड सजेशंस, रिलेटेड कीवर्ड, क्वेश्चंस एंड प्रोपोजिशन। हम लोगों को रिलेटेड कीवर्ड चाहिए, तो मैंने इस रिलेटेड कीवर्ड को ऑप्शन पे क्लिक किया। इसके बाद मुझे बहुत सारे सर्चेस मिल रहे थे, टोटल सर्चेस इसके आप देखोगे तो बहुत, टोटल ऑल टुगेदर सर्चेस इतने सारे हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको ये कीवर्ड सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स सभी यहाँ पर, या फिर मैं पूरे कीवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी, और ये कीवर्ड मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर जिसका मैक्सिमम सर्च जो है वो 6 लाख से लेकर 110 तक सर्च वॉल्यूम है, और इस लिस्ट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, ये आपको फ्री में भी अवेलेबल रहेगा दोस्तों, फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते लेकिन आपको ये कंटेंट पूरा दिखेगा, सर्च वॉल्यूम इनके नहीं देख पाएंगे। तो ये डाउनलोड हो गई दोस्तों फाइल, दोस्तों ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर आते ही हम लोगों को सबसे पहले जाना है यहाँ पर और फिल्टर लगा देना है। फिल्टर लगाने के बाद में हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग जो हमारा रेंज है वो हम लोग रखेंगे यहाँ पर, और रेंज हम लोग रखते हैं 110 से लेकर 390 तक, तो बाकी जो रेंज है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं
390 तक रख देता हूँ यहाँ पर, ताकि हम लोग कीवर्ड ढूंढने में थोड़ा आसानी हो। ओके, आप ज़्यादा भी रख सकते हो। यहाँ पे हम लोग KGR फार्मूला नहीं यूज़ कर रहे हैं, और अब हम लोगों ने इतने सारे कीवर्ड फाइनल कर दिए यहाँ पर। अब आप देख सकते हो ईमेल मार्केटिंग, ई मार्केटिंग वाला हमारा कीवर्ड है, उससे रिलेटेड ई मार्केटिंग डेफिनेशन हो गया। या फिर जिनका और एक कर सकते हो, आप एक कॉम्पिटिशन भी आप कम कर सकते हो। तो आप कॉम्पिटिशन अगर आपको कम करना है तो आप यहाँ पर आ चुके हो, और यहाँ पे आप 0 से लेकर 10 तक का कॉम्पिटिशन रख सकते हो, ताकि आपको, या फिर आप 20 तक का भी रख सकते हो। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन मैं जो है 0 से 10 तक का रखा है मैंने, और अब मुझे ऐसे कीवर्ड्स मिल गए हैं जिनका कॉम्पिटिशन भी कम है, जिनका सर्च वॉल्यूम भी कम है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हम लोगों को ई मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड भी मिल रहा है। ई मार्केटिंग मीनिंग हो गया, या फिर हम लोग ई मार्केटिंग डेफिनेशन हो चुका है। तो इस तरह के कीवर्ड्स हम लोग ई मार्केटिंग विकिपीडिया, ई मार्केटिंग PDF, ये कीवर्ड सिनोनिम्स जो है वो हम लोगों को ढेर सारे मिल चुके हैं, और इन कीवर्ड को ध्यान में रखकर हम लोगों को अपना ब्लॉग लिखना है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड और साथ में सेकेंडरी कीवर्ड भी निकाल लिया है, लेकिन अब ये जो हम लोगों ने टूल की यूज़ किया, ये पेड वाला टूल था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के थ्रू आपका समझ में आ गया होगा प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड और कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करना है, ताकि आपकी कीवर्ड गूगल के या किसी भी सर्च इंजन पेजेस के ऊपर में रैंक करें। मैंने आपको फ्री टूल्स और पेड टूल दोनों बताया दोस्तों। पेड टूल की भी नीचे लिंक दी है, अगर आपको वो परचेस करना है तो आप उस लिंक के थ्रू परचेस कर सकते हो। इसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेश्चन पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, गेट सैनिटाइज योरसेल्फ, लाइक कमेंट एंड हिट सब्सक्राइब एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।